सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज एक नए वीडियो के साथ आप सबके बीच में आ चुका हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब प्रभु में आशीषित, आनंदित और मगन होंगे। तो दोस्तों आज का विषय है कि मसीही भाई बहन दुर्गा पूजा से पहले ये वीडियो एक बार आप जरूर देख लें। आज मैं दुर्गा पूजा के विषय में आज है जे बाइबल के वचन से आप सबों से कुछ बात करना चाहता हूँ। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इस वीडियो को दुर्गा पूजा को आने से पहले एक बार जरूर आप देख लें ताकि आपसे परमेश्वर अपने वचन से बातचीत करे। तो दोस्तों मैं इससे पहले आप सबों से एक बात को कहना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो मसीहियों को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उनके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो को ना देखें। हाँ मेरे प्रियो, हम मसीह भाई बहनों के लिए इस वीडियो को बनाएं ताकि जो यीशु मसीह में नए विश्वासी भाई बहन हैं और विशेष करके उन्हें बाइबल की शिक्षा में अधिक जानकारी नहीं है तो वो इस विषय में जान सके कि क्या दुर्गा पूजा में उन्हें जैसे पहले वो मनाते थे क्या अभी भी वो मना सकते हैं या नहीं मना सकते, इसके विषय में बाइबल वचन क्या कहती है। तो दोस्तों आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो अंत तक देखें ताकि आज परमेश्वर के वचन से आज है जे इस जरूरी विषय के बारे में आप जान सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे रोमियो 12 अध्याय के 2 वचन में क्या कहता है। कहता है, और इस संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ बाइबल वचन प्रेजेंट करती है, बताती है, कहती है कि संसार के सदृश नहीं बनना, यानी संसार के लोग जो कर रहे हैं उसे देखा देखी आप ना करें। बाइबल वचन बताती है कि आपकी बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब आप यीशु मसीह में आप आए हैं, हो सकता है कि आप नए आए हैं, नए विश्वासी भाई बहन होंगे या पुराने होंगे और इस विषय में आपको जानकारी नहीं होगा, तो बाइबल वचन कहता है कि जब तुम्हारे बुद्धि को नए हो जाते हैं तो तुम्हारा चाल चलन भी है जे तुम्हारा बदलता जाए और परमेश्वर की भली और भांति उनकी इच्छा को अनुभव करें, मालूम करें कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, हमारे परमेश्वर पिता को क्या भाता है। जैसा कि प्रियो मैं दूसरे कुरंथियों 5:17 से बात करना चाहता हूँ। वचन कहती है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई है। मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, जब आप यीशु मसीह में आए हैं तो आपका एक नया जन्म हुआ है, आप एक नया जन्म को पाए हैं। आपके जो पुरानी जो बातें थी, जो पहले देखा देखी संसार को कामों को कर रहे थे, वो आपके लिए है जे बीत गया, वो खत्म हो गया है, उसे हटा देना चाहिए, उसे दूर करना चाहिए। और वचन बताती है कि सब नई हो गई है, आपके लिए सब नया हो गया है। एक बच्चे जन्म लेता है और उसे माता पिता जैसे सिखाते हैं उस सिखाए अनुसार वो अपने चलता है, उस तरह से आप हैं जे प्रभु में एक नए जन्मे बालक के समान हैं और आपको प्रभु के वचन में सीखते हुए आगे को बढ़ना चाहिए और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना चाहिए कि बाइबल वचन है जो हमें क्या बताती है। तो दोस्तों बाइबल वचन बताती है, परमेश्वर का वचन बताती है निर्गमन 20:3-6 में कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर साफ साफ यहाँ पे बातों को बता रहे हैं कि मुझको छोड़ कोई दूसरा ईश्वर को तुम्हें मानना नहीं है। दूसरी बातों को कह रहे हैं, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में हुआ, पृथ्वी पर हुआ, पृथ्वी के जल में है, तो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना,
क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर साफ साफ मना करते हैं कि तुम है जे कोई भी अजय मूर्ति खोद करके ना बनाना, ना किसी प्रतिमा को, किसी फोटो को, या यीशु मसीह के ही क्यों ना हो मेरे प्रियो, यीशु मसीह के फोटो को भी दंडवत करने के लिए बाइबल है जे अलाव नहीं देता है, क्योंकि उस फोटो को भी मनुष्य ने बनाया है, उसे प्रभु ने नहीं बनाया है। उस फोटो को भी आप अगर घरे में लगा देते हैं और उसे आप है जे उसको दंडवत करते आराधना करते हैं, तो वो परमेश्वर का वचन मना करता है। वो कहता है कि कोई भी है जे प्रतिमा को नहीं बनाना है, या तो पृथ्वी पर है, या तो जल में है, या कहीं पर भी है, उसकी है जे प्रतिमा को, उस फोटो को नहीं बनाना। और आगे वचन बताती है कि न उसको दंडवत करना और न उसकी उपासना करना। जब ऐसा करते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पर पोतों और परपोतों पितरों का दंड दिया करता हूँ। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इतना भयानक सजा है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से बैर रखते हैं, जो परमेश्वर के वचन से नहीं चलते हैं, उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, उनके लिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं उनको पोतों परपोतों और पितरों का भी दंड दिया करता हूँ। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब यीशु मसीह में आए हैं, परमेश्वर के पास आए हैं, तो मसीह भाई बहनों को ये सारी चीज़ों को नहीं करना चाहिए, इन सारी चीज़ों से बचना है। जैसा कि अगला वचन कहता है, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर ने यहाँ साफ कहा है कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं, प्रेम रखना क्या है, उनकी आज्ञाओं को मानना, और जो उनके वचन को पालन करते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनको ऊपर परमेश्वर कहते हैं कि मैं करुणा करता हूँ, भलाई उत्पन्न करते हैं, उनके ऊपर है जे आशीष से उंडेलते हैं, उनको आशीष देते हैं। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ है जे बाइबल है जे स्पष्ट बताती है कि मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तो जब आप यीशु मसीह में आए हैं तो आपको परमेश्वर के छोड़, यीशु मसीह के छोड़ दूसरों को ईश्वर करके आपको नहीं मानना है। या तो कोई प्रतिमा है, या तो कोई फोटो है, या कोई मूर्ति है, उसे है जे आपको है जे उपासना और दंडवत नहीं करना है। अगला वचन कहता है, पहला कुरंथियों 10 के 19 से 21 कहता है, फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूरत का बलिदान कुछ है या मूरत कुछ है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर के भक्त पौलुस यहाँ पे लिखते हैं, वो कहते हैं कि क्या मूरत का बलिदान कुछ है या मूरत कुछ है। आगे को कहते हैं, नहीं वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तो प्रियो मसीह भाई बहनों, यहाँ पे पौलुस स्पष्ट बातों को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लोग है जे अन्य जाति लोग जो बलिदान करते हैं वो परमेश्वर को नहीं चढ़ाते हैं, वो परमेश्वर को बलि नहीं देते हैं, परमेश्वर को बलिदान को नहीं करते हैं, वो दुष्ट आत्माओं को बलिदान करते हैं। और पौलुस यहाँ कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। परमेश्वर नहीं चाहते हैं मेरे प्रियो कि आप उसमें सहभागी हों, उस दुष्ट आत्माओं के बलिदान में आप सहभागी हों। जैसा कि आगे कहते हैं, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साक्षी नहीं हो सकते। तो प्रिय मसीह भाई बहनों, यहाँ पे बाइबल के वचन स्पष्ट है जे यहाँ घोषणा करता है कि आप है जे वो दोनों में शरीक नहीं हो सकते हैं। आप उधर परमेश्वर के मेज के साथ भोज करना, प्रभु यीशु मसीह के साथ मेज के साथ भोज करना, और दुष्ट आत्माओं को मेज के साथ भोज करना, दोनों में सहभागी नहीं हो सकते हैं। और अगर ऐसा करते हैं तब परमेश्वर आपको दंडित ठहराएंगे, परमेश्वर आपको है जे क्रोधित हो जाएंगे,
आपसे अप्रसन्न हो जाएंगे, इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप इसमें सहभागी न हो। जैसा कि प्रेरितों के काम 15:29 आयत कहता है कि तुम मूर्तों के बलि किए हुए से और लहू से और गला घोटे हुए के मांस से और व्यभिचार से पड़े रहो, इनसे पड़े रहो तो तुम्हारा भला होगा। आगे शुभ। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे बाइबल में लिखा गया है, बाइबल के वचन में बताया गया है कि आपको इन सारे चीज़ों से बचना होगा। पड़े रहो मतलब इससे बचे रहो, जब इससे आप बचे रहेंगे तो आपका क्या होगा, भला होगा और आपका शुभ होगा, अच्छा काम होगा। जो भी आप सोचेंगे परमेश्वर में, परमेश्वर आपको उस कामों में सफलता देंगे और परमेश्वर आप पे है जे हजार गुना है जे करुणा को आपके ऊपर ऊँढे लेंगे, आपको आशीषित करेंगे और आपको सुरक्षा करेंगे। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में आप आए हैं तो आप एक नए सृष्टि हैं, आप एक नए जन्मे हुए बालक के समान हैं। तो आपको है जे वो चाल नहीं चलना है जो पहले चलते थे, क्योंकि बाइबल स्पष्ट करती है कि संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर के भली और भावती और सिद्ध इच्छा से अनुभव से मालूम करते रहो। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, उनकी बुद्धि, उनके वचन हम आपको बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, प्रकाश देता है, क्योंकि बाइबल का वचन ये भी कहता है कि रोमियो 8:32 कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आज बाइबल के वचन से आप सत्य को जान गए कि बाइबल वचन आपके लिए क्या कहता है, बाइबल वचन आपको क्या मना करता है और क्या करने के लिए नहीं कहता है। तो ये सारी बातों को आप बाइबल के वचन से आज सुन चुके हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको जरूर जीवन में कार्य को कर रहे हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही नए वीडियो जब मैं डालूं तो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।